those of us who are writing their exams in August need your kind attention. अगर आप अगस्त में अपने एग्जाम्स लिख रहे हैं और आप लोगों का अंडर ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर या जो भी साल है आपका अंडर ग्रेजुएशन का, इफ दैट इज देयर इन बिटवीन, अगस्त में एग्जाम्स लिख रहे हैं, मतलब सी एफ ए यू आर सपोज टू राइट इन अगस्त एंड लेट्स से योर अंडर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर डजंट मैटर, इफ दोज एग्जाम्स आर ड्यू टू कम ओवर हियर मई एंड से लेके जून तक के, तो मोटा मोटा एक महीने आप या 15-20 दिन जो भी आप ऑक्यूपाइड रहेंगे. There are two ways of going about it. I can be selfish and say कि भाई क्या ही फर्क पड़ रहा है उसमें कितनी पढ़ाई होती है. कैंडिडेट कह रहे हैं हम तो सिर्फ 15 ही दिन पढ़ के मोटा मोटा बेसिस पे दे ही देंगे एग्जाम, कोई फर्क नहीं पड़ता. That is one way of going about it. Second way is वहां बहुत अच्छी पढ़ाई कर लें, यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लें. एक बार ना सारी की सारी चीजों का अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं. लुक, I have very strong reasons to believe folks who are in undergraduation, I think they are utterly misguided. उन्हें आइडिया ही नहीं होता अपने करियर का कुछ भी, और जब तक वो आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं रायता फैल चुका होता है ऑलरेडी. बोलते हैं अब से सुधारना है, तो कोशिश कर लेते हैं. अगर आप में से कोई फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, तो ध्यान से मेरी बात सुन लो. Many of us would have scored in 90s and high 80s in their class 12th. And then suddenly, this is what happens in your undergraduation. ठीक है ना. This person is still a very, very good friend of mine. He's a very, very good friend. She had scored 92% in class 12th. And in fact, अगर मैं class 12th के marks से देखता तो probably she was the highest class 12th scorer in our college. The cutoff at my time was 91. She had scored a 92. She could have gotten into better colleges like Ramjas and stuff. She chose to stay in this college. I don't know why. That was about class 12th. Undergraduation first year, her score was 46%. 92 से 46. दो साल लगा के आते उतने वापस जितने पहले आए थे. This is what happens with people when they are in undergraduation. ये तो चलो कुछ ज्यादा ही mighty steep fall हो गया, but 90s to 60s, ये तो बहुत ही कॉमन स्टोरी है. एंड व्हेन आई आस्क स्टूडेंट्स कि क्यों आए थे ऐसे, वो कहते हैं पढ़ते थोड़ी हैं, कॉलेज थोड़ी जाते हैं, अटेंडेंस लग जाती है, क्या पढ़ते हो, कहते हैं 10 ईयर. तो प्रैक्टिकली द प्लान इज ऑल्सो टू वेस्ट द 3 ईयर्स ऑफ लाइफ. ठीक है, जो लोग थर्ड ईयर में हो तो देखो उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है खास. वॉट यू कैन डू इज गिव योर थर्ड ईयर the way you probably would have given your class 12th exam. आपके class 12th के percentage अगर ढंग के हैं तो जिंदगी भर CV पे लिखे रहेंगे, वरना वहां से percentage हटा के class 12th को eliminate करना पड़ता है थोड़े time बाद. क्यों? Sorry, undergraduation को सिर्फ लिखना पड़ता है कि BCom या BBA या BTech whatever, क्योंकि marks ऐसे हैं कि बताने में अच्छे ही नहीं लग रहे, बस बोल दो किया है, ठीक है ना. Second, आप लिखें चाहे नहीं लिखें, there would be n number of avenues where those marks would matter. Let's say if not today, 10 years from today, 5 years from today, 7 years from today, you choose to, let's say, write your GMAT exams and aim for a big ticket MBA in US, Europe. This would matter. ठीक है? India के बाहर, या मतलब post-graduation, अगर आप कहीं किसी ढंग के country में, किसी ढंग के college में जा रहे हैं, those folks genuinely care about your undergraduation marks, post-graduation marks, all these professional certifications that you are trying to do. But आपको पता नहीं है किसी ने नहीं बोला है या बोला है बट फिर भी उतना ध्यान नहीं दिया गया है, that your marks in graduation do matter a lot. वो आपको पता है कि आपके कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं होती या DU में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है या करण सर उसका मजाक बना देते हैं whatever. But at the end of the day, अगर ये ऐसी पढ़ाई है जिसका मजाक बनाया जा रहा है और उसमें भी हम मार्क्स नहीं ला रहे, फिर तो हम ही मजाक कर रहे हैं अपने आप से. तो बी as serious as possible when it comes to scoring marks in your undergraduation या post graduation. आप जहां पे भी हैं marks do matter. ठीक है, जो बोलते हैं ना marks do not matter, उनके आए नहीं होते इसलिए बोल देते हैं वो और क्या करेंगे. हाँ अंगूर खट्टे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन पूछता है marks, no one asks you marks. क्यों, उससे क्यों ही पूछेगा, बताने लायक ही नहीं था वो इंसान. अगर आपके marks ढंग के हैं तो matter करते हैं, trust me. Whenever there's a choice between studying for CFA versus your undergraduation exams,
The answer is always study for your undergraduation exams, get through it. Consistently, 2 घंटे की पढ़ाई बहुत है उस एग्जाम के लिए, मैं इतना तो जानता ही हूँ. मतलब 2-3 घंटे अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं तो आपके कॉलेज में वो रैंक आएंगे जो आपको भी भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई पढ़ ही नहीं रहा उतना. वो बहुत ईजी है वहां स्कोर करना. तो जितने ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं प्लीज कर लीजिए वो काम. आप लोग जब आई टेल यू वन मोर थिंग, आई हैड डिड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी आफ्टर माई ग्रेजुएशन. ठीक है, आई वेंट फॉर इट आफ्टर माई ग्रेजुएशन. आई गेव माई इंटर एग्जाम्स, लॉस्ट ऑन अ रैंक बाय 5-6 marks, लेस देन 10 था ये डेड श्योर है, 5-6-8 ऐसे नहीं बता, लेस देन 10 marks आई लॉस्ट इन ऑल इंडिया रैंक. द इंटरव्यू आई एम सिटिंग इन, द इंटरव्यू आई एम सिटिंग इन, उसमें सारे ऑब्वियसली आईपीसीसी क्लियर्ड थी. The initial lot was about 100 students, about 100 aspirants wishing to get into PricewaterhouseCoopers for their internship for CA. ट्वेंटी odd moved to the next round. Technical round लिया था उसी में सब गए. वो 25 में से 18 rank holders थे और 7 non-rank holders थे. फिर उनका GD हुआ. मेरे जीडी में 6 लोग या 7 लोगों का जीडी था, उसमें 5 rank holder थे, मैं था, एक और कैंडिडेट था, हम 2 rank holders नहीं थे. थैंक गॉड आई डिडंट नो दैट ऑल दोस 5 वर द रैंक होल्डर्स. मैंने मतलब उनका वो हाल किया था अंदर ना, मैं तल के खा गया था उन सबको. मुझे पता होता ना उनके रैंक है, मैं डर गया होता शायद. मुझे लगता होशियार लोग हैं. थैंकफुली आई डिडंट नो दैट दे वर रैंक होल्डर. रैंक मीन्स क्या? कॉन्सेप्चुअली अच्छे थे सीए की पढ़ाई में, बट ऑब्वियसली एक फर्क था. वो लोग 12th के बाद डायरेक्टली कर रहे थे, मैं अंडर ग्रेजुएशन के बाद कर रहा था. तो भले ग्रेजुएशन में नॉलेज कंपोनेंट पे बहुत ज्यादा इजाफा ना हुआ, बट आई हैड सम बिट ऑफ व्हाट यू कॉल एक्सपीरियंस इन सिटिंग इन एन इंटरव्यू. कॉलेज में अंडर ग्रेजुएशन में हो चुका था ऑलरेडी, एट सम बिट ऑफ नॉलेज ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स इन जनरल. फाइनेंशियल न्यूज़पेपर मैं 3 साल से पढ़ रहा था. एंड इन जनरल आई वॉज मोर राउंडेड एज अ पर्सनैलिटी. आई वॉज मोर राउंडेड, आई वॉज मच मोर देन वॉट माई सीवी सेज. मैं किसी के पास बैठ के अगर उससे बात करूंगा, ही विल फाइंड मी टू बी अ डिसेंटली इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी. चुन लेगा कि गधा बस रट के आ गया, TDS के प्रोविजन याद है, GST पता है, ये पता है, पता है, इसके भी और कुछ पूछ रहा हूँ तो नॉट गोइंग टू हैपन. वैसा नहीं था. एंड दिस वॉज बिकॉज ऑफ कॉलेज. The personality got shaped up in college that I still owe to Delhi University. But the other aspect that I got in my college was that before that I had this thing ki I'm not good enough for a big stage. Or the small town or Raipur se aaya hua tha. English samajh mein aati hai lekin bolne mein dar lagega. Bol bhi lenge to class mein teacher se baat kar lenge, but aap bolo stage pe jaake bol to ye nahi hoga bhaiya. इतने लोग बैठे, मैं गिर गया तो बेहोश हो जाऊंगा मैं. नॉट पॉसिबल दोस्त, स्टेज पे मैं नहीं जा रहा. मतलब वैसे वाली चीजें मन में लगती थी, ठीक है ना. एंड ऑल दिस वाइल डीप डाउन इनसाइड आई हैड द एस्पिरेशन टू स्टैंड ऑन द स्टेज ऑलवेज. तो यार क्या कूल लग रहा है बोलता वो स्टेज. बट मुझे बोलो हाँ जा तू भी कूल, नहीं ये औकात से मेरे बाहर है, आई वाज वेरी क्लियर ऑन दैट. बट ये 3 सालों ने वो दे दिया था मुझे, ठीक है ना. ठीक है. इन दैट जीडी आउट ऑफ दोस 7 folks 2 वर सिलेक्टेड, बोथ ऑफ देम वर नॉन रैंक होल्डर्स एंड बोथ ऑफ अस हैड मिस्ड द रैंक बाय 5-10 marks. तो जो जीडी में जो कन्वेनर या क्या कहते हैं उसको, एमसीस क्या कहते हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं जो जीडी कंडक्ट कराते हैं, जो भी चलो, ठीक है ना. दे ऑब्वियसली हैड आर सीवीज इन फ्रंट ऑफ देम. उन्होंने अंडर ग्रेजुएशन दिस दैट सारी ये सब चीजें नोट की हुई थी. तो दे कुड सी कि यार ये 5 rank holders से कोई बहुत कम मार्क्स तो है नहीं. किसी के 65% थे तो मेरे 64% थे. सीए में अच्छे होते हैं ना 60s में परसेंट. सीए में 60s और 70s के परसेंट बहुत अच्छे माने जाते हैं. तो हार्डली मार्क्स में डिफरेंस है. एंड पर्सनैलिटी वाइज देखोगे तो उससे बहुत ज्यादा वेल राउंडेड है. जैसे हमसे ना कुछ व्हाट यू कॉल मीडिया और कम्युनिकेशन और इसके ऊपर पूछा गया था कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं दिस दैट, और इसके ऊपर जीडी चल रहा था.
एक बंदा बीच में कहता है हमें जीएस, हमें टीडीएस के जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो पर, मैं क्या बोल रहा है यार, कौन सा टीडीएस का अमेंडमेंट? तो सीए वैसे ही देख लेगा, नहीं भी आते तो भी क्या फर्क पड़ा, तल दिया था मैंने उसको इस बात। मैंने कहा आज से 5 साल पहले नहीं था, क्या फर्क पड़ रहा था बता? सीए खुद ही कर ले रहा था, नोटिफिकेशन तो आती थी, फिजिकल नोटिफिकेशन देख के कर लेते थे, ये कैसा फायदा बता रहे? ये तो मतलब बहुत ही रिमोट सर्कमस्टेंसेस है, ये तो लाइफ का व्यू ही तुमने मैक्रो नहीं लिया। वो अंदर सोच रहा क्या बोल गया ये। दिस वॉज वन, आई गॉट थ्रू दिस। 6 months हेंस आई अगेन सैट फॉर अ सिमिलर राउंड, दैट वॉज ई वाई, अगेन 100-200 ऑड पीपल, अगेन सिलेक्टेड, अगेन रैंक होल्डर्स थे वहां पे, सेम स्टोरी। इफ यू आस्क मी व्हाट वाज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, उनका भी आईपीसीसी क्लियर था, मेरा भी क्लियर था, उनके तो मार्क्स ज्यादा थे मुझसे। जो फर्क थे वो ये था, उसमें मैं रेगुलर कॉलेज ऑफ नॉर्थ कैंपस टॉपर ऑल 3 ईयर्स, मार्क्स उस समय के हिसाब से देखोगे तो मेरे 80% अंडर ग्रेजुएशन में 80%, आज तो चलो बांट भी देता है ऐसी, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, उस समय मेरे कॉलेज में हाईएस्ट थे, तो माइन वर दी हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ माई कॉलेज। अगर यूनिवर्सिटी वाइज देखोगे तो टॉप 30 में रैंक आती थी। अब इट्स अ कंपेलिंग सीवी फॉर यू टू टेक। मैं तो अपने सीवी पे लिखता था दैट आई वाज सिलेक्टेड इन अर्नस्ट यंग फ्रॉम ग्रेजुएशन, डिडंट जॉइन। 15 मिनट तो मुझसे वो बात करते थे, ज्वाइन क्यों नहीं की, तेरी क्या गारंटी तू यहाँ ज्वाइन करेगा नहीं? मुझे लगता था चल खुद से बोल तो रहा है कि ऑफर दूंगा बुलाऊंगा, इसी पे डिस्कशन होगा कि ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। मैं रीजन दे देता था यार, मुझे आगे पढ़ना था, वहां ज्यादा पढ़ नहीं पाता, सीपीए नहीं करना था मुझे, सीए करनी थी, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आई विल बी इन इंडिया फॉर माई लाइफ। बकवास कर रहा था मैं, झूठ बोल रहा था, सब कुछ नहीं पता था मुझे ऐसे, बट कुछ तो रीजन देना था। वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वेन यू गेट दीज अपॉर्चुनिटीज, वेन यू आर अपियरिंग फॉर दीज एग्जाम, दीज वुड मैटर। सीवी में और फर्क देखा ही क्या जाएगा, सोचो ना आप लोग अपने अंडर ग्रेजुएशन, मैं मान रहा हूं ये बात दैट अंडर ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, बीट बी कॉम, बीट बीबीए, बीट बीएफआईए, बीट वॉट एवर बीबीई, जो भी है आपकी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनी अदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज इंडिया बेस्ट, और बोल रहा हूँ उसकी भी हालत खराब ही है, तो दूसरों की तो बात ना ही करें तो बेहतर। तो रिगार्डलेस ऑफ योर यूनिवर्सिटी, द नॉलेज गेन वुड नॉट बी ह्यूमंगस, बट सेड सो, अगर आप वो कोर्स फिल किए हुए हैं, भर के उसको एग्जाम दे रहे हैं, तो प्लीज डोंट मेक अ मेस ऑफ इट, अपियर फॉर इट इन द मोस्ट प्रोफिशियंट मैनर दैट यू कैन, मेक श्योर इट काउंट्स, मेक श्योर दैट यू टेक स्टार्स फ्रॉम देयर एंड पुट इट ऑन योर शोल्डर, तो जिंदगी भर रहेंगे। आपको पता है उसकी क्या औकात थी? आप जब जाओगे ना यहाँ से यूएस, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, एंड यू से दैट आई वाज दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर, इट काउंट्स, बिकॉज देन दैट इज हाउ आई विल सेल इट। नो, जैसे मुझे मेरे सीवी पे लिखना हो तो मैं लिखूंगा रैंक फर्स्ट आउट ऑफ 300 व्हाट यू कॉल स्टूडेंट्स, हाईएस्ट मार्क्स स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ माय कॉलेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएफए, डिप आईएफआरएस, सो एंड सो सर्टिफिकेशन फ्रॉम हार्वर्ड, बिजनेस का एक्सपीरियंस ये। नाउ आई एम पुटिंग अप एन एप्लीकेशन, इट विल बी अ ब्लडी कंपेलिंग एप्लीकेशन। हम अप्लाई करें, कॉलेज बोल दे अगले साल आना, भाई हम भी कुछ करके आएंगे नहीं करके? यू विल हैव टू रीच दैट लेवल इन ऑर्डर टू हैव योर फुट इनसाइड द सिस्टम, अदरवाइज ये इंडस्ट्री आसान नहीं है घुसने के लिए। मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर तो बनना है आपको, किन से कॉम्पिटिशन है आपका ना, आप लोगों को आइडिया ही नहीं है अभी। इफ यू वॉन्ट योर फुट इन, देन यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर कॉलेज में एग्जाम्स हैं तो लेट्स बी वेरी श्योर कि हम अपना बेस्ट दे के आएंगे वहां पर। स्कूल में 95 चाहिए थे, यहाँ क्यों नहीं चाहिए यार? यहाँ तो आसान है उससे लाने, क्यों तोड़ के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? क्या होगा मजे करने से, क्यों 10 ईयर पढ़ के जा रहे हैं? और इवन मैं आपको नॉलेज कंपोनेंट से भी बोल दे रहा हूँ, अगर आप बहुत ढंग तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि नॉलेज भी वही आ रहा है, इट्स जस्ट दैट वो एग्जाम लेने का तरीका ऐसा हो गया, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे हो गए दैट पीपल थिंक दैट देयर इज नॉट मच इंसेंटिव फॉर मी टू प्रिपेयर वेल, बट ऐसा है नहीं। मतलब दिस इज मायोपिक व्यू, भेड़ चाल में चलने वाली बात है। क्लास में कूल लड़के या बंदियां क्या कर रही हैं? दे आर जस्ट वाइलिंग अवे देयर टाइम, छोड़ना क्या पड़ेगा साले, चलना चलते हैं, दिस इज व्हाट गोज, एंड पीपल वॉन्ट टू कंफर्म टू अ सर्टेन थिंग, लगता है सब जा रहे हैं मैं नहीं गया तो आई एम नॉट कंफर्मिंग टू इट, आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। व्हाई द हेल डू यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप यार, क्यों?
शेरों का ग्रुप थोड़ी ना है, गीदड़ है ना, जीतेंगे थोड़ी ना एंड में। पार्ट वन में तो बड़े ऐसे ग्रुप का बनो जो जीत के आएगा बाद में। अदर अ ग्रुप विच इज नॉट टेकिंग यू अप इज अ प्लेस वेर यू शुड नॉट बी इन एनी ग्रुप, दैट्स अ बेटर स्टेट। आई वॉज नॉट इन एनी कॉलेज ग्रुप एवर, बट आई वॉज देयर इन ऑल द ग्रुप्स। मेरी लड़ाई की इससे नहीं होगी, लेकिन ये नहीं होगा कि ये पिक्चर जा रहा तो मैंने भी जानी, मर जाके मेरे बाप का क्या जाता है सर। मेरे को मार्क्स चाहिए, मुझे करियर बनाना। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टूवर्ड्स माई करियर, टूवर्ड्स माई फैमिली फर्स्ट। ढंग के दोस्त होंगे, अच्छे दोस्त होंगे तो रह जाएंगे कभी कल भी। आई हैव माई कॉलेज फ्रेंड्स स्टिल, जिनसे मेरी आज भी हफ्ते में 2 बार बात होती है। आज मिलके हम लोग पता नहीं कितनी जगहों पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मिलके धंधे चलाते हैं आज की डेट में। तो 9 का पास आउट हूँ यार मैं, 15 ईयर्स, एंड दोज फ्रेंड्स हैव रिमेन्ड, एंड आई डिड नॉट ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। इट्स जस्ट दैट पीपल रियलाइज दैट आई माइट नॉट से द मोस्ट अप्रोप्रिएट साउंडिंग थिंग्स, बट एट द एंड ऑफ द डे माई इंटेंशन आर वेरी प्योर। यार कुछ करना है लाइफ में, लेट मी मूव, लेट मी गेट टू अ बेटर ऑर्बिट, एंड लेट यू गेट टू अ बेटर ऑर्बिट एज वेल। मैं जितना ऊपर जाऊंगा तेरा फायदा भाई, और तू जितना ऊपर जाएगा मेरा फायदा। आई एम टेलिंग यू इन टूडेज टाइम, ऑब्वियसली इट्स बीन 10-15 ईयर्स, तो अब इस टाइम पे भी अगर मेरा नेटवर्क ना रहे तो क्या होगा। बट इन टूडेज टाइम फॉर मी टू गेट अ जॉब, और फॉर मी टू रेफर समवन टू गेट अ जॉब लाइक दिस, इट्स इट्स अ कप ऑफ केक, कुछ है ही नहीं मेरे लिए। और आई एम लिटरली मतलब क्या बोलते हैं, आई आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। दिल्ली गुड़गांव से नहीं हूं मैं। नॉट अ सिंगल कॉन्टैक्ट वॉज गिवन बाय माई डैड। ये सारे के सारे खुद मेहनत करके, पढ़ाई करके वहां पहुंच के खुद बनाए। तो ऑल दीज थिंग्स आर बिकॉज ऑफ माई ओन ब्रांड इक्विटी, नॉट बिकॉज कोई खैरात में नहीं थी किसी। आपको पहुंचना ही पड़ेगा वहां पे, और उसके लिए एक ही सही रास्ता है। वेन एवर यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, मेक इट काउंट, दैट्स इट। एक कैंडिडेट ने भी पूछा था, अगर कोई ऑब्वियसली ऑलरेडी मेस कर चुका है तो अभी 3 साल बर्बाद कर दिया, अब क्या करेंगे, तो अब इसके आगे ठीक कर लीजिए। बट जो लोग फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में और उन्होंने देना है, तो प्लीज मेक इट काउंट। मुझे रिग्रेट है, अगर मैं अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में थोड़ा सा ज्यादा अपने कॉलेज एकेडमिक्स की तरफ ध्यान देता, तो आई कुड हैव बीन इन द टॉप 10, टॉप 15 एज वेल। That would have been a charm, but I was again misguided. बोले यहाँ कैट के लिए पढ़ ले, मेरे कैट में वही 90 आ रहे थे, एंड आई न्यू इवन बिफोर राइटिंग द कैट कि मैं यहां जाके एक दिन थोड़ी ना 99 ला लूंगा। एक दिन ऐसा फ्लैश इन द पैन थोड़ी ना होगा, जब कंसिस्टेंटली 87, 88, 90, 91, 88, 87 आता है, तो अचानक जाके थोड़ी ना 99 हो जाएगा। वो मुझे पता था, माई माइंड न्यू दैट, माई हार्ट वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। माई हार्ट सेड नहीं, क्या पता भाई, क्या पता, नहीं ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा चमत्कार नहीं होगा वहां पे, डिडन्ट हैपन। बट आई केप्ट गोइंग एट इट, कॉम्प्रोमाइजिंग माई अंडर ग्रेजुएशन। आई रिग्रेट द फैक्ट दैट आई डिड नॉट ब्रीच 80% बाय बिग माइंड। आई कुड हैव इजीली डन दैट। फाइनल ईयर में मैंने सब्जेक्ट स्टूपिड लिए, हु वुड इमेजिन कि मैंने अपने फाइनल ईयर में आई हैड द ऑप्शन टू चूज मार्केटिंग और फाइनेंस। ब्लडी हेल आई टुक मार्केटिंग, कि पढ़ना नहीं पड़ेगा एंड में ऐसी थ्योरी लिख के दे दूंगी। क्लास में थे फ्रेंड्स, उन्होंने कहा यही ले ले भाई, यही सही है। नहीं बताता उन बेचारों को भी, वहां आता क्या था फाइनल ईयर में, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से ऐसा कुछ होता है, आई डोंट रिमेम्बर द सब्जेक्ट। ये केडी के ही फालतू की चीजें पूछते रहते हैं टाइम पास, यू यू 2-2 मिनट के सवाल होते हैं। सब्जेक्ट चेंज करता, 15-20 दिन महीना एक्स्ट्रा पढ़ाई की होती है, नंबर 83, 84, 85% होते हैं, हाई नहीं कुछ। तो मेक श्योर दैट यू डू नॉट लेट गो ऑफ इट। आप लोगों के जिसके अगस्त में एग्जाम्स हैं, वो 15-20 दिन नहीं पढ़ पाएंगे, अकाउंट फॉर इट। वो कैसे करना है, मेक श्योर दैट दिस टाइम फ्रेम जो अभी आपके पास फ्रॉम हेयर टिल लेट्स से अप्रैल है, यू पुट फुट ऑन द पेडल। क्लास में जो हो रहा है सही है, बाकी वीडियोस लो, धपाधप देखना चालू करो, कोर्स नक्की करो अपने एंड पे जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या कॉम्प्रोमाइज करें, CFA या ग्रेजुएशन, दोनों नहीं करना है। अगर अगस्त भर दिया तो कोई कॉम्प्रोमाइज का चांस ही नहीं है।
अभी दबा के सीएफए की पढ़ाई करो, बाद में अंडर ग्रेजुएशन में जाके तोड़ के मार्क्स लाओ, वापस आओ, फिर ये दबा के पढ़ाई करो, इसको भी क्लियर करो, दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। नहीं भरा है अभी तक के तो भरो ही मत, अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर नवंबर भर दो, फिर अगस्त वगैरह मत फिल करिए इतनी जल्दी। और फिर भी अगर दोनों में से एक चॉइस है कि नहीं सर इतना तो नहीं पढ़ पाएंगे, एक ही करना है, तो फिर अपनी अंडर ग्रेजुएशन पे अच्छे से ध्यान दे दो, ये एग्जाम की कोई उतनी वो नहीं, डिफर करा लेना जो भी कर लेना, आई एम नॉट सजेस्टिंग डिफर कराओ, बट इफ पोल कम्स टू शो और ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, ये कसम ही खा रखी है, तो फिर इसे मतलब सेकेंड प्रायोरिटी रखें, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी अंडर ग्रेजुएशन के मार्क्स, दैट विल मैटर इन लॉन्ग टर्म। जब आप लोग इवन आफ्टर सीएफए लेवल वन जॉब लेने के लिए जाते हैं ना, तो द रिक्रूटर्स डू हैव एन आई ऑन इट, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहेगा ना, कि क्लास 10th 90, क्लास 12th 94, अंडर ग्रेजुएशन 85, सीएफए लेवल वन, ये सीवी पिक होने के बहुत चांसेस है, वर्सेस समवन जो पहले पूरा सपाट था अब एक में आ गए, उसके पिक होने में क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसा नहीं हो नहीं होगा, होगा वो भी पिक, आपने देखा होगा वो एक वीडियो भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था, अंडर ग्रेजुएशन 54%, क्लास 12th कॉमर्स, मैथ्स नहीं ली थी कैंडिडेट ने, दैट सीवी स्टिल गॉट पिक्ड यार, बट आई एम टेलिंग यू ही इज अ बीस्ट, मतलब बहुत कम कैंडिडेट्स वैसी पढ़ाई कर पाते, द काइंड ऑफ मतलब हार्डवर्क दैट ही हैड डन इन हिज सीएफए डेज एंड देन इन हिज मॉडलिंग स्किल सेट इज सेकेंड टू नन। मैंने आज तक जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा मॉडलिंग के ऊपर, घर बैठ के जितनी मेहनत तो उस कैंडिडेट ने की होगी उतनी किसी ने नहीं की थी। कल मेरा बातचीत हो रही थी उस पर्सन से, ही वाज टेलिंग मी सर मेरे ऑफिस में एक सीए है, मैंने उसका एक मॉडल देखा सर, वही आज मॉडल बनाया होता उस बंदी, 2 महीने पहले 3 महीने पहले मुझे कहता था मुझसे बनेगा, अब वो एक सीए के मॉडल वगैरह वही आता, कह रहा सर आता ही कुछ नहीं था उसको, नहीं सर सर एफ सी एफ ई का फॉर्मूला गलत लगाया था, बताओ 10 दिन हुए जॉब ज्वाइन किए हुए, 15 दिन, हाँ 10 15, 2 हफ्ते, 11th को फर्स्ट डे था उसका, 2 हफ्ते, यू टोल्ड मी सर मेरे को फ्राइडे को ना वो कर दिया, मेरे को जो मतलब दे अपग्रेडेड माई डिपार्टमेंट, पुट मी इन टू अ बेटर टीम, एंड एक दो जो लोग बहुत सीनियर और पुराने थे, मतलब एक आध साल सीनियर थे, आई एम वर्किंग ऑन द सेम लेवल एंड दे हैव बीन टोल्ड कि आप मॉडलिंग इनसे करवा लो, 2 वीक्स, एक बेटर टीम मिली जो 1 साल से इनके ऊपर काम कर रहे थे, उनको बोल दिया इनसे करवाइए काम, आप लोगों से मॉडलिंग वगैरह उतनी अच्छी नहीं हो रही है, दिस गाय इज अ जीनियस इन मॉडलिंग, क्या किया हुआ है बस काम बहुत रगड़ के किए। तो ऐसा नहीं है कि अगर नींद देर से खुल रही है तो कुछ नहीं बनेगा लाइफ में, ऐसा नहीं है, बट देन कोशिश करके अगर वहां पहुंचे ही नहीं ऐसी स्थिति में तो क्या है प्रॉब्लम है, इफ यू आर स्टिल इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर देन मेक श्योर दैट यू आर नॉट इन दैट प्लेस वेयर यू आर वल्नरेबल। आई बी ऑनेस्ट, आई हैव नेवर बीन एट दैट प्लेस, काश मेरे को कोई संभव नहीं, आई हैव नेवर बीन एट दैट काश प्लेस, एंड दैट्स व्हाई आई से दैट गॉड हैज बीन काइंड, आई डोंट नो व्हाई इट अकर्ड टू मी इन वेरी वेरी फॉर्मेटिव डेज इटसेल्फ कि मैं मजाक करूंगा ही नहीं इन सब चीजों में। एक बहुत बड़ा रीजन उसका ये था दैट आई केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहां मुझे पता था कि अगर मुझे जूते की फैक्ट्री डालनी हो तो कर देंगे घर वाले, मुझे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा चलाना है, ट्रांसपोर्ट खोलना चाहता हूँ खुद की, कोई भी धंधा उंधा करना हो, डीलरशिप चाहिए किसी चीज की, दोस्त यार तो कहते थे दारू का ठेका ले लेते हैं गुड़गांव में खूब चलेगा, मैं भाई हाथ जोड़े ऐसी चीजें ना बता, ठीक है ना, बिजनेस धंधा करा देंगे घर वाले, दैट आई न्यू, दे विल सपोर्ट मी टू द टी, पढ़ाई में करियर में देयर सपोर्ट इज स्टिल ह्यूमंगस, बट इट्स कमिंग फ्रॉम 2 सोर्सेस, पहला द सपोर्ट इज मॉरल, जैसे करण पढ़ रहा है कोई फालतू काम नहीं देना इसको, जा दूध ले आ, पड़ोस के आंटी के पास ये छोड़ा, इसको मेट्रो स्टेशन छोड़ा, ठीक है ना, कहीं रिलेटिव के यहाँ कुछ है मैं गाड़ी में वहां लेके चल, कोई ऐसे फालतू काम नहीं देंगे, जैसे होके पढ़ाई कर रहा है नहीं, खुद बोलेगा कि मैं फ्री हूँ वहां लेके चलता हूँ तो ठीक है बेटा चल ले, उसमें भी बोलेंगे नहीं क्यों चल रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। सेकेंड, इफ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू गेट द रिजल्ट्स दैट प्रोबेबली आई शुड और आई एक्सपेक्ट ऑफ माई सेल्फ, They'll still stand like a rock behind me. कोई कुछ नहीं होगा, कल आ जाएगा तू लगे रहे। In my dad's mind, मतलब I owe my life to that person.
I didn't had an iota of confidence in anything I could do in my life. Not an iota. And he was like, तू जा तो सही, तू देख क्या हाल करेगा तू इनका. मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जिस दिन जाता था ना, मैं अपना फॉर्म भर रहा हूँ, सामने चार लोग आ रहे हैं, तो मुझे उनको देख के ही डर लगा. मुझे यार तो चेहरे से ही होशियार दिख रहे हैं, ये देखिए ये तो अपनी मम्मी से इंग्लिश में बात कर रहा है, भाई पापा हमारा क्या होगा. I've seen those days, trust me. एंड ही आई डोंट नो वाई, पता नहीं उन्हें वो कॉन्फिडेंस था या उन्हें भी नहीं था, वो बस ऐसे ही मुझे कह रहे थे कि मैं ना डरू. आई डोंट नो दैट, बट ही ऑलवेज हैड दिस थिंग कि तू कम नहीं है इनसे. इनफैक्ट टाइम आने दे, तू देख क्या हाल होगा इनका, बिकॉज आई नो यू. सो दैट वॉज वन बिट मॉरल साइड पे, है ना. द सेकेंड बिट वॉज ऑन द फाइनेंस फ्रंट. गॉड्स ग्रेस इतने पैसे से सपोर्ट मुझे कर सकते थे कि मेरे को जो पढ़ाई करनी है वो करा देंगे, जो फीस देनी है वो दे देंगे. वो बोलते थे हम ना तुझे किसी से मिलवा नहीं सकते कि हाँ यार इस बंदे ने सीए कर रखी है, सीएफए कर रखी है, ये हम नहीं करवा पाएंगे बेटा, तू डिसाइड कर ले कि तुझे क्या करना है. अगर किसी से मिलने जाना है या तेरे कॉन्टैक्ट से या कहीं तेरे कोई टीचर के कॉन्टैक्ट से कुछ अरेंज हो गया तो हम ले चलेंगे. तो साथ चल लेते थे बेचारे, एंड लाइक अ ट्रू इंडियन जेंटलमैन हाथ जोड़ के, हाँ जी मेरे बच्चे को ये बता दीजिए आप, थैंक यू सर, वेरी मतलब आई आई अंडरस्टैंड दोज इमोशंस, बट दे वर नॉट सोफिस्टिकेटेड इनफ टू टेल मी कि इस पॉइंट पे ये चीज प्लान कर या इस पॉइंट पे ये चीज मत कर, ये गलती होगी. वो नहीं पता था उन बेचारों. दैट्स व्हाई आई हैव माय शेयर फेयर मतलब फेयर शेयर ऑफ मिस्टेक्स. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे दुख भी होता था उनको देख के, बट टुडे व्हेन आई लुक बैक आई डोंट इवन माइंड द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन इन माय लाइफ. आई एम लाइक वो नहीं की होती तो मेरी पर्सनैलिटी वो शेपअप ही नहीं होती जो आज हुई है. आई हैव डन माय मिस्टेक्स, देयर इज वुंड्स ऑन द बैक, आई हैव पेड फॉर दोज मिस्टेक्स बिग टाइम, बट देन द काइंड ऑफ लर्निंग दैट आई हैव गॉट फ्रॉम देयर कैन नॉट बी क्वांटिफाइड. मतलब व्हाट एवर आई कैन से टुडे, व्हाट वेयर एवर Whatever little I have done in my life today is because of those mistakes as well. उस समय है तो मत वेस्ट करी, मेक इट काउंट. यू डोंट नो द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट योर पेरेंट्स वुड हैव इन देयर माइंड. दे माइट नॉट से दिस टू यू, वो सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे बेटा कुछ नहीं है, तू चिंता क्यों कर रहा है. लेट्स से इफ यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर थिंग्स आर फाइनेंशियली प्रीटी वेल सेट, तो बोलेंगे बेटा देख ले होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो धंधे तो आएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे. दे विल ऑलवेज हैव दैट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट. बट वेन यू कम फॉर अ क्लास एट 8:30, यू माइट स्टार्ट फ्रॉम योर होम एट 7 एंड यू आर डूइंग दिस रूटीन फॉर एन ईयर, डीप डाउन इन देयर हार्ट दे वुड बी लाइक हाँ अच्छा है कुछ हो जाए बेचारे का, कुछ बड़ी कंपनी पहुंच जाए, मैं तो नहीं जा पाया, मेरी तो एक छोटी सी दुकान है करोल बाग में, रजौरी में, तिलक नगर में, जनकपुरी में, इसका कुछ अच्छा हो जाए. तो लेट्स मेक श्योर दैट यू डोंट वाइल अवे द अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेट, मेक इट काउंट. मैं छोटे टाइम फ्रेम में ना ऐसा देखता है एक छोटा सा एग्जाम है, बट इफ यू कीप एक्यूमुलेटिंग दी स्मॉल लॉरियल्स फॉर योर सेल्फ, छोटी छोटी ये चीजें अगर आप इकट्ठी करते जाए ना अपने साथ, ये सीवी में ना इतनी ब्लेटेंटली स्ट्रांग दिखती है कि बहुत ज्यादा कंपेलिंग केस बनता है आपका वर्सेज अदर्स सीवी. बहुत बहुत कंपेलिंग. एंड आई हैव रीप द बेनिफिट्स ऑल माई लाइफ फॉर दिस. मेरे को शुरू की एक दो जॉब को छोड़ के मुझे कभी अप्लाई अप्लाई नहीं करना पड़ा. आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, गॉड्स ग्रेस आई हैड आई एम गुड विद पीपल. बदतमीजी बेशर्मी नहीं आती मुझे. आई हैव बीन गुड विद पीपल इन जनरल इन टर्म्स ऑफ माई व्हाट यू कॉल कंडक्ट एंड इन ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग समवन. मेरा कोई फायदा नहीं है बट इफ आई कैन हेल्प समवन आई हैव जनरली डन दैट. दैट सिंपल रूल. घर वालों ने अगेन मिडिल क्लास सिख परिवार जैसे हेल्प पीपल, दैट्स इट. एंड दैट फॉर दैट रीजन शुरू के करियर के 2-3 साल को छोड़ दें, उसके बाद मुझे कभी अप्लाई करके कहीं जॉब लेना पड़ा, आई एम नॉट सीन दैट डे. आई न्यू समवन इनसाइड हु वाज टेलिंग मी दैट देयर इज एन ओपनिंग, समवन लाइक यू वुड बी अ परफेक्ट फिट. He was making a very strong, compelling case inside the organization, even me without giving my CV. वो पहले ही बोल रहा था अगला अंदर, सर होशियार लड़का है, XYZ कंपनी में सिमिलर काम करता है, CA है, CFA है, कॉलेज टॉपर है, आप ले लो इंटरव्यू कर लो, देखो सही लगता है तो देख ले.
बातों की एक्सपीरियंस की, तो कह रहे हैं हाँ ये 5-6 केसेस कर रखे हैं, इतने बड़े बड़े असाइनमेंट्स कर रहा है इस कंपनी में, टीम लीड करता है। अब इवन विदाउट मी, इवन विदाउट माई CV रीचिंग ओवर दैट, द हायरिंग मैनेजर हैज मेड अप हिज माइंड कि हाँ यार देख लेते हैं, सीरियस है, अच्छा निकल सकता है कुछ। एंड देन द सेकेंड पॉइंट इज दैट द पर्सन हु इज पुटिंग माई केस फॉरवर्ड इज सेइंग लेट मी लेट हिम कम इन माई टीम, सो ही इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ गलत हुआ तो मैं देखूँ, तो बचा ही क्या। द ओनली थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज नंबर्स, मैथ्स, कमर्शियल्स, फिर उसमें हम ज्यादा प्ले करेंगे, अच्छा पैसा लेके जाएंगे वहां पे, ऐसे ही क्यों जाएंगे, जब पता है माल बिका हुआ है पहले ही, तो रेट अच्छा कर लो अपना, है ना। बट ये मैं बोल रहा हूँ लेटर स्टेजेस में, इनिशियल स्टेजेस में तो इट वॉज ऑल अबाउट द CV, एंड लेटर स्टेजेस में भी आप देख रहे हो कि पिच बन क्या रही है, बन रही है दैट एक्सपीरियंस अच्छा है, पढ़ाई इतनी इतनी कर रखी है, ये मामला है, तो दैट पिच स्टिल इज कैरिंग ऑल द पास्ट थिंग्स। यस यू कैन से कि हाँ इस साल में नहीं भी आए रहते इतने मार्क्स तो क्या फर्क पड़ता, बट ये आप एक साल में बोल दोगे, 2 साल में बोल दोगे, किसी में नहीं आ रहे थे तो होता ही नहीं फिर कुछ करियर में। तो मेक श्योर दैट यू डू नॉट मतलब जस्ट थ्रो अवे दी अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेट। एक और चीज, भले ये मैं ऑगस्ट के अटेम्प्ट के हिसाब से मैंने बोल दिया, बट इट डजेंट रियली मैटर टू बी ऑनेस्ट, आपका जब भी अटेम्प्ट हो आप उसमें इस तरीके से प्लान कर लें, अगर आप में से कोई लेट्स से नवंबर दे रहा है और उसके पहले कुछ बिजी होने वाला है अगेन सेम ड्रिल, कोई नेक्स्ट फेब्रवरी दे रहा है और नवंबर में लेट्स से CA के एग्जाम्स लिख रहा है, सेम ड्रिल, मेक श्योर दैट यू प्लान थिंग्स इन सच अ मैनर कि ऐसा कोई एक एग्जाम एट द कॉस्ट ऑफ अदर नहीं आ रहा है। क्लियरिंग टू लेवल्स ऑफ CFA वाइल बीइंग एन अंडर ग्रेजुएशन, वाइल स्टिल बीइंग जस्ट एन अंडर ग्रेजुएट वुड बी अ सुपर्ब थिंग टू ऐड ऑन योर CV। डेफिनेटली अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, रेगुलर कॉलेज में, चांसेस आर वेरी वेरी ब्राइट कि फाइनल ईयर में प्लेसमेंट ही हो जाएगा, अराउंड 60K, 50 to 60K, 70K की प्लेसमेंट मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बहुत आसानी से हो सकता है वो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, इनसाइड द कैंपस। आउटसाइड द कैंपस जैसे ही गए फिर बहुत तेल निकलने लग जाएगा, बट अगर 2 लेवल कंप्लीट है, मॉडलिंग अच्छी आती है, फिर आउटसाइड द कैंपस जा रहे हो तो भी अच्छे प्लेसमेंट्स होंगे, बट अगर विद इन द कैंपस हो जहाँ कंपनीज आ रही है ना, आई एम टेलिंग यू दैट इज द बेस्ट प्लेस। बट सेट सो ये नहीं है कि CFA के 2 लेवल क्लियर हो जाए और अंडर ग्रेजुएशन के मार्क्स की बैंड बज रखी है कि 40, 45, 45, ऐसे कॉस्ट पे नहीं चाहिए यार मार्क्स, एक लेवल कंप्लीट कर लो इससे तो वो बेटर है।